क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2 माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करें। मतलब क्या है, देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही दो है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। कह रहा कि यदि px यानी कि 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, एक दे दिया है। और देखो जिसमें हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे ये बात पहले समझ लो, हमने कल समझाया था तुम लोगों को भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाग जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी एक्स जी एक्स क्यूब एक्स, हाँ होता है कि नहीं होता है? तो देखो इसमें जो पहला दिया है इसमें भाग देना है तो पी एक्स तुमको पता है, चलो जी एक्स तुमको पता है नहीं है, यानी जी एक्स से भाग देना है। भागफल तुमको पता है क्यू एक्स, तक देखोगे यहाँ पे भागफल यानी कि क्यू एक्स बराबर कितना दे दिया, भागफल दिया है आपको x माइनस 2, शेषफल क्या दिया है आर एक्स कितना दिया है माइनस 2x प्लस 4, और जी एक्स आपको पता नहीं है, ठीक है, चलिए हाँ दिया है। तो यहां देखिएगा आपको ये पी एक्स है कि नहीं है, तो आपको पी एक्स का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, चलिए तो देखिएगा आपको पता है कि पी एक्स बराबर होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, होता है कि नहीं होता है? तो देखोगे पी एक्स का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स का वैल्यू तुमको पता नहीं है, क्यू एक्स का वैल्यू कितना है एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स का वैल्यू कितनी है माइनस 2x प्लस 4, है कि नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, यहाँ पे आ गया क्या, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इधर पूरा प्लस में है तो इधर उठा के लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको माइनस 2x प्लस 4 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, है बात समझ में। तो देखोगे क्या कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपको जी एक्स बराबर एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 2। तो देखोगे एक्स क्यू तो है ही, माइनस 3x² है, एक गो एक्स है यहाँ पे, एक गो यहाँ पे दो गो एक्स है, तो दो गो एक गो कितना हो जाएगा 3x, चार को में से जब दो घटा जाएगा क्या बचेगा 2, तो जी एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को, जी एक्स का वैल्यू निकालना, तो बाकी जो चीजें इधर है हम इधर इसको भेज देंगे, इधर गुना में तेरा क्या करेगा भाग करेगा एक्स माइनस 2। अब बताओगे नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, जी एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 क्या होगा माइनस 2 को भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, किससे भाग देंगे x माइनस 2 से भाग देंगे। अब देखोगे x माइनस 2 से भाग दो तो यहाँ पे क्या है, इसका पहला पद, इसका पहला पद, तो यहाँ पे एक गो है, यहाँ पे कौन गो है तीन गो, जब तीन गो में से एक घटाइएगा तो कौन गो बचेगा दो गो, यानी क्या होगा x का पावर 2, तो यानी कि अब गुना करना, फर्स्ट वाला में गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दीजिए यहाँ पे आ गया। अब सेकंड वाला गुना कीजिए, x² में 2 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा, देखिएगा माइनस प्लस खत्म हो गया, तीन को में से जब दो घटाइएगा क्या बचेगा x² प्लस 3x माइनस 2। यहां देखोगे यहाँ पे प्लस में x² है, यहाँ पे सॉरी माइनस में x² है, यहाँ पे प्लस में x है, इसे भाग दोगे तो दो को में से एक घटेगा तो कितना बचेगा एक बचेगा, एक x बचेगा कि नहीं बचेगा माइनस में, बचेगा ना। अब देखो तो अब यहाँ पे इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, दो में एक्स से गुना कीजिए क्या हो जाएगा प्लस
टू एक्स, तो ये जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। तीन गो एक्स में से दो एक्स हटेगा, एक्स माइनस टू होगा कि नहीं, तो देखोगे यहाँ भी एक्स माइनस टू है, यहाँ पे एक्स माइनस टू है, तो यानी कि एक बार में गुणा कर देंगे तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू यानी हो गया जीरो। अब ये आपका वैल्यू निकल गया जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।